होते हाँ सब कुछ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम नीलामी के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, अभी मेरे पास को यहाँ पे जितने भी आप गाड़ी देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी गाड़ी नीलामी की हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही सस्ते कंडीशन में आपको 5,000-10,000 में आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आप बिहार सरकार के द्वारा गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, जो कि पुलिस कर्मी के द्वारा थाने में जब्त किए जाते हैं, उस गाड़ी की हर एक महीने पर नीलामी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी ज़िले में नीलामी होती है। इसी तरीके से अभी अभी बहुत ही भयंकर नीलामी की नोटिस जारी किया गया है, जो कि आपको बता दें फ्रेंड्स, इसकी लास्ट डेट कब तक रखा गया वो मैं आपको वीडियो को लास्ट तक दिखाएंगे। और जैसे कि आपने शुरू में ही आपको दिखा दिए हैं कि थाने में जो गाड़ी लगा हुआ होता है वो किस कंडीशन का होता है और कैसा होता है, आपने शुरू में देखे हैं। और सेम टू सेम फ्रेंड्स, इसी तरीके का, इसी कंडीशन की गाड़ी आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने में मिल जाएगा। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोग जैसे कि आप गाड़ी देखे हैं, इसकी कीमत की बात करें तो फ्रेंड्स बहुत सस्ते होते हैं। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंडीशन की गाड़ी आपको थाने में जब्त किया गया जो होता है वो खरीद सकते हैं। और ऐसे में अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अभी गोपालगंज ज़िले में नीलामी हो रही है, जो कि आपको बता दें गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में 21 दिसंबर को नीलामी किया गया था। उसमें जो गाड़ी शेष बच गया था उस गाड़ी को फिर 28 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। आप लोग अगर चाहें तो 28 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आपको अच्छे से अच्छे कंडीशन की गाड़ी मिल जाएगा बहुत ही सस्ते दामों में। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्द से जल्द जाइए, 28 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, तो आप गोपालगंज ज़िले में फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से भाई कमेंट करते रहते हैं कि क्या मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से भी है तो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में कब होगी नीलामी, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।